तो कैसे हो नीरा स्वीट रेसिपी किचन में आपका दिल से स्वागत है। आइए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलो शुरू करते हैं एक प्यारी सी रेसिपी। आज रेसिपी ऐसी है, कुछ डिफरेंट तरीके की यूनिक रेसिपी है जो आज तक अभी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। थोड़ा सा लेंगे मैदा और गेहूं का आटा और थोड़ा सा उसी में रवा ऐड किए हैं, सूजी जिसे बोलते हैं, और 4 स्पून इसमें ऐड करेंगे घी। कम ज़्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, जितना अच्छे से परफेक्ट हो जाए उतना कर लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे वरना ये बहुत गीला हो जाएगा। मुझे गीला नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से जैसे आप लोग रोटी गूंथते हैं ना आटा, वैसा ही चाहिए परफेक्ट। थोड़ा सा ऐड करेंगे तेल या घी, आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, बढ़िया इसका अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, एक थोड़ी सी न्यू ट्रिक है बस। इसमें ऐड करेंगे वही जो मैंने आटा गूंथा था ना, वही ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे परफेक्ट इसमें नमक और तेल थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी थोड़ी से छोटे छोटे पीसेस में आलू कट करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई अच्छे से हीट हो गई है, इसमें ऐड किए हैं तेल, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें चटकने देंगे जीरा, थोड़ा सा ओनियन ऐड करेंगे, प्याज, इसे अच्छे से बढ़िया मिक्स करेंगे और थोड़ा हल्का कलर चेंज हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा इसे सुनहरा नहीं करेंगे, बस थोड़ा लाल हो जाए कलर, बढ़िया अच्छे से पकने देंगे। प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, क्योंकि सभी को पता चले ये रेसिपी क्या है, डिफरेंट तरीके की यूनिक सी। ऐड करेंगे थोड़ी सी इसे में बढ़िया प्यारी सी धनिया हरी भरी, आप लोग कम ज़्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, देखिए बढ़िया अच्छे से धनिया भी हल्का कलर चेंज हो गया है, लाल जैसी हो गई हल्की सी। अब इसमें ऐड करेंगे बढ़िया प्यारा सा टर्मरिक पाउडर जिसे हल्दी पाउडर लोग बोलते हैं, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे अपने वही प्यारे से बॉयल किए हुए आलू, अगर बॉयल करते दिखाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग बोर हो जाते देखते देखते। ऐड करेंगे इसी में मसाले प्यारे से, मीट मसाला बढ़िया प्यारा सा, आप लोग गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। मुझे मीट मसाला पसंद है ना, लेकिन मीट नहीं पसंद है। एक लोई लेंगे अच्छे से और इसे अच्छे से बढ़िया बेलेंगे सर्कल शेप में। कुछ डिफरेंट तरीके की रेसिपी मैं बार बार बोल रही हूँ, बढ़िया गोल गोल बढ़िया सर्कल शेप में बड़ी सी रोटी जैसी बनाएंगे, जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं ना वैसे, बढ़िया प्यार से खूब अच्छे से सर्कल शेप में बनाइएगा ऐसे। देखिए कुछ ऐसी मेरी रोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया पतली होनी चाहिए। अब एक नाइफ लेंगे, उसकी मदद से कट करेंगे, पहले ऐसे 4 भाग, फिर 4 के 8 भाग, बढ़िया छोटे छोटे पीसेस करेंगे बढ़िया। अब इसी पे ऐड करेंगे प्यारी सी अपनी स्टफनिंग, वही बढ़िया बढ़िया थोड़ी थोड़ी सी हर जगह पे ऐड करेंगे। अभी देखना क्या बना रहे, आप लोगों के लिए सरप्राइज है छोटा सा ऐसे। आप लोग समोसे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से नहीं, ऐसे कुछ डिफरेंट है। आप लोग इस ट्रिक से बनाओगे ना तो 500 समोसे तुरंत बना सकते हैं 5 मिनट में। ऐसे ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, मैदे का एक घोल थोड़ा सा बनाई थी
आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ऐसे एक बढ़िया अच्छे से कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको टक कर देंगे इधर से, और इधर से फिर लेंगे बढ़िया इधर टक कर देंगे। देखिए है ना डिफरेंट सा समोसा, मैंने बोला था ना कि यूनिक सी रेसिपी है। आप लोग एक एक करके रोटी बनाते हैं ना छोटी छोटी पूड़ी की जैसी, फिर समोसा बनाते हैं, लेकिन अब नहीं बनाइएगा दोस्तों बढ़िया अच्छे से पूरी रोटी की तरह बनाइएगा गोल गोल, उसके भाग कर दीजिएगा, बन के रेडी हो जाएंगे आपके समोसे। आप लोगों को दूसरा समोसा दिखाते हैं, फिर सेम इसी प्रोसेस सारे बना लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किए हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हीट हो गया है, इसमें ऐड करेंगे प्यारे से समोसे। भाई समोसे किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। आप लोग मार्केट जाते हो ना सबसे पहले समोसे खाते होंगे ना, आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। देखिए बढ़िया अच्छे से थोड़ा अच्छे से पकाएंगे, हल्की आंच में एकदम मीडियम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे ऐसे, और हल्का कलर चेंज हो जाने देंगे बढ़िया, धीरे धीरे लाल कलर आ जाए जब तक नहीं तब तक इसे हम पकाएंगे बढ़िया अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे एक छन्ने के मदद से बढ़िया, जिससे पूड़ी बनाते हैं ना उसी से निकाल लेंगे। देखिए है ना प्यारे से समोसे, वो भी छोटे छोटे। आप लोग बड़े समोसे तो बहुत खाए होंगे, अब छोटे खाइए। ऐसे सारे समोसे निकाल लेंगे, वाओ नाइस क्या समोसे हैं, मुझे तो भाई बहुत पसंद आए और मेरी फैमिली में सभी को पसंद आए। एक एक करके बढ़िया रख देंगे एक प्लेट में, इसकी गार्निश करेंगे, अपने बढ़िया छोटे छोटे समोसे रखेंगे बढ़िया थोड़े थोड़े करके, और चटनी भी रखेंगे। ये यूनिक सी चटनी है, ये अपने हाथों से बनाया है, कैथे और आंवले की वीडियो नहीं दिखा पाए हैं इसके लिए सॉरी। बहुत डिफरेंट तरीके के मेरे समोसे हैं ना, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, वो भी लोग इस समोसे के आनंद उठा पाएँ और बना सकें, क्योंकि समोसे बनाने में बहुत कठिन होते हैं। आइए आप लोग इंजॉय कीजिए, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और अगली रेसिपी आप लोगों को कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। हमेशा की तरह से 3 चीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।